मैं डॉक्टर वीके अग्रवाल यहाँ नियति हॉस्पिटल में पिछले 4 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ एज ए वरिष्ठ सलाहकार इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन। और मैं मेरे को 35 साल से ये मेडिकल क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है। 35 साल से लगातार मरीजों की सेवा कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ सभी लोगों के यहाँ भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार है, बड़े उल्लास से मनाया जाता है। तो इस पावन त्यौहार पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग धन से और स्वास्थ्य से बिल्कुल सही रहेंगे। ये त्यौहार है जो ना आदमी के सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। खाना ये अपना हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको आदमी को हेल्दी एंड वेल्दी होना चाहिए। अगर हेल्दी नहीं होगा आदमी तो उसके लिए वेल्थ बेकार है। तो आज के दिन, आज का पावन पर्व पे आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जा रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आजकल के ज़माने में देखा गया है डायबिटीज़, जिसे हम अपनी भाषा में मधुमेह का रोग या शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में लोगों को हो रहा है। काफ़ी लोग इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं और वो खान पान या और लाइफ स्टाइल चेंजेस, उसकी वजह से ये काफ़ी लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी, ये हर एक घर में ये बीमारी हो गई है और इसमें ये पूरी दुनिया में 10-15% तक मरीज या उससे ज़्यादा भी मरीज में देखने को पाया गया है। तो इसमें ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना नियमित रूप से चेकअप करें, नियमित रूप से ब्लड शुगर की जाँच करते रहें और उसमें जो ना डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श लेके दवाई लेते रहें। तो डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ का मतलब होता है कि अगर आपका खाली पेट का ब्लड शुगर ओवरनाइट फास्टिंग के बाद अगर ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा है, फास्टिंग ब्लड शुगर, या खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर आपका 200 mg/cent से ज़्यादा है, या रैंडम ब्लड शुगर कभी भी अगर नापे 200 mg/cent से ज़्यादा है, तो इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि मतलब मरीज को कोई सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर लोगों में मरीज में सिम्टम्स नहीं होते हैं, केवल ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है और मरीज़ को इसका कई सालों के बाद मालूम पड़ता है। ये साइलेंट किलर डिसीज़ की तरह से काम करता है। साइलेंट किलर डिसीज़ होती है जिसमें कि मरीज के जब किडनी में अफेक्ट आ जाता है, गुर्दे उसके हार्ट में अफेक्ट आ जाता है या स्ट्रोक हो जाता है तो उसको मालूम पड़ता है, या जननी अंगों में जो है ना खराबी जाती है तब मालूम पड़ता है। तो इसीलिए इसके बारे में हम कैंप भी लगाते हैं। कैंप में हम क्या करते हैं, रेगुलरली ब्लड शुगर की जांच करते हैं। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा निकलता है तो उसका ये मतलब नहीं है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, मेरे खानदान में या किसी को नहीं हुआ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसको हमें फिर रेगुलर चेकअप करा के डॉक्टर से परामर्श लेके लगातार दवाइयाँ खानी है, परहेज करना है अपना बराबर, डाइट कंट्रोल करना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, वजन कंट्रोल करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उन सब चीज़ों को देखना होता है। तो डायबिटीज़ के जो यूजुअल लक्षण होते थे, पहले हम बोलते थे जैसे बार बार पेशाब का आना, भूख ज़्यादा लगना, या रात में पेशाब का आना, या बार बार पानी का प्यास का लगना, तो ये सारे लक्षण होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में यूजुअली मिलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट में होती है, 40 साल के ये मिडिल एजेड एडल्ट में होती है, उसमें ये लक्षण नहीं मिलते हैं। उसमें ये सिम्टम्स बहुत सालों के बाद आते हैं या किडनी, और ज़्यादातर लोग कॉम्प्लिकेशन की वजह से लैंड अप करते हैं, जैसे कि किसी की गुर्दे ख़राब हो गए तो डॉक्टर ने टेस्ट कराया उसमें निकल गया, हार्ट अटैक वाला हुआ उसमें टेस्ट कराया तो ब्लड शुगर बढ़ी हुआ आ गई, या पेशेंट को लकवा मार गया। तो ये इसीलिए हम लोग जो कैंप में ये इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक कराते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें, नियमित रूप से दवाई खाएं, किसी भी तरह की ये और किसी भी तरह की परेशानी ना आना। अगर ये डायबिटीज़ अगर आपको एंड ऑर्गन डिसीज़ पे अगर आ जाती है, जैसे कि आपके अगर गुर्दे ख़राब हो गए, हार्ट अटैक आ गया आप, या आपको लकवे की शिकायत होगी, तो इन सब चीज़ों को एंड स्टेज पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको केवल शुगर ही शुगर है तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो इसलिए अगर नियमित रूप से अगर आपका उपचार चलता रहेगा और नियमित रूप से आप डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बिल्कुल जैसे स्वस्थ रहेंगे जैसे और लोग स्वस्थ रहते हैं, जैसे ज़्यादातर जनता अपने आराम से काम करती रहती है, ऐसे डायबिटीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं यार टेस्ट कराने में डरते हैं, हमें डायबिटीज़ निकल गई, हमें शुगर निकल गई तो जिंदगी भर के लिए दवाई खानी पड़ेगी, जिंदगी परहेज रखना पड़ेगा। लेकिन वो अच्छी बात है, वो तो अगर मालूम पड़ गया
अगर जितनी जल्दी इसका मालूम पड़ेगा उतनी जल्दी आपका उपचार हो जाएगा और आपके बाकी ऑर्गन बिल्कुल जो ऐसे कि हार्ट है, किडनी है और ये आपका जो ना ब्रेन है ये बिल्कुल सही काम करते रहेंगे, पैरों की नसें वगैरह ये सही रहेंगी, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर लगातार लगाते रहेंगे। तो डायबिटीज़ में नियमित रूप से उपचार एंड नियमित रूप से डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही शुभकामना करता हूँ कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आप लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, जो कंट्रोल रहे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, है ना, फले फूलें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा संदेश है आप सब लोगों के लिए। मैं पुनः इस दीपावली के पावन पर्व पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और संपन्न रहें, मतलब आप हेल्दी वेल्दी लाइफ, आपकी लाइफ हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे, तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और आपके पास खूब धन दौलत, खूब समृद्धि आए, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। और डायबिटीज़ डे होने की वजह से मैं फिर कहूँगा आपको, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है लेकिन आप ज़रूर चेक करें, इसको शुगर ज़रूर चेक कराते रहें बीच बीच में, क्योंकि स्पेशली 40 साल के बाद के जो लोग हैं उनको कम से कम साल में एक बार शुगर ज़रूर कराएं, क्योंकि ये कभी भी हो सकती है, कब हो सकती है कोई कह नहीं सकता आज का, स्पेशली इन आजकल की लाइफ स्टाइल में, जिससे कि आपके कोई भी अंग खराब ना हो, सारे अंग सही रूप से काम करते रहें। धन्यवाद।